एक बार मेरी ऑफिसर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन, हाँ जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, उन्होंने खुद मुझे बचाया। तो बताती हूँ कि क्या है पूरा किस्सा। पहले बता दूँ कि मैं हूँ अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर, IAS एलाइड ऑफिसर, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे मेरे ऑफिस के किस्से जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा सिविल सर्विसेज के दफ्तर के अंदर कैसी कैसी सिचुएशंस बनती हैं, किस तरह आप उनसे निपट पाते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप एक सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। खैर मेरे साथ जो हुआ उसमें तो अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा रोल है कि मुझे उस दिन इस कदर उन्होंने बचाया कि मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर अमिताभ बच्चन नहीं होते तो क्या होता। हुआ कुछ ऐसा कि उन दिनों मैं प्रेस फैसिलिटीज नाम का डिपार्टमेंट देखती थी, और प्रेस फैसिलिटीज में हम एक प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड देते हैं जर्नलिस्ट को, जिसकी बड़ी डिमांड होती है क्योंकि उस कार्ड से आपको जो हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसमें एक्सेस मिलता है, और भी कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं जैसे रेलवे कंसेशन, कुछ गवर्नमेंट हाउसिंग, इस तरीके की चीज़ें। तो काफ़ी लोग उस कार्ड को अप्लाई करते हैं, पर ऑफकोर्स रूल्स होते हैं, आपके पास पैरामीटर्स होते हैं कि आप किसको वो कार्ड दे सकते हैं और किसको नहीं। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि एक सज्जन थे किसी मैगजीन से जुड़े हुए, उनको उस कार्ड की बड़ी चाहत थी, वो चाहते थे उन्हें वो प्रेस कार्ड मिल जाए किसी भी तरीके से। हर एक जर्नलिस्ट जो अपने आप को थोड़ा भी समझता है कि वो कुछ किसी काबिल है तो वो उसको प्रेस कार्ड जरूर चाहिए होता है। तो उन्होंने कई बार अप्लाई किया और उनके कागज पूरे नहीं थे तो बार बार उनका कार्ड रिजेक्ट हो जाता था। अब एक दिन उन्हें बड़ा बुरा लगा कि बहुत सारे और लोगों को कार्ड्स मिल गए लेकिन उनको नहीं मिले, तो वो सीधे मेरे कमरे में घुसा है। अब कमरे में घुसा है तो उन्होंने मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए कि भाई आप सबको कार्ड दे रही हैं, मुझे नहीं दे रही। मैंने कहा वो सबका सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपके जो कागज़ हैं वो पूरे नहीं हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इस कारण से आपको कार्ड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वो इस बात को मानने को राजी नहीं थे कि उनकी फाइल में कुछ कमी है। अब वो बोलते रहे, मैं सुनती रही, अब मैंने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज़ भी कर दी, फिर भी मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं एक ऑफिसर थी, मेरी डिग्निटी, मेरी गरिमा ये नहीं कहती थी कि अगर आगे से कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो मैं भी चिल्लाऊं। तो मैंने बार बार उनको एक शांत आवाज़ में कहने की कोशिश करी कि नहीं, ये आप अच्छा फिर से एप्लीकेशन लिख दीजिए, मैं एक बार और देख लूँगी, लेकिन ये कमियाँ हैं आपकी फाइल में। अब वो बहुत गर्म हो गए, शायद इसलिए भी क्योंकि मैं वैसा रिएक्शन नहीं दे रही थी जैसा वो चाहते थे, मैं चिल्ला नहीं रही थी, परेशान नहीं हो रही थी, तो वो और ज़्यादा गर्म हो गए। अचानक ही मैं टेबल के इस साइड बैठी थी, टेबल बड़ी सी टेबल थी और कुछ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे टेबल पे, इंटरकॉम था, एक लैंडलाइन फ़ोन था और एक हॉटलाइन होती है ऑफिसर्स के पास, वो तीन तरह के फ़ोन रखे थे। उन्होंने तैश में वो फ़ोन ऐसे उठाया और रिसीवर मेरे सामने ऐसे ऐसे करके थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने लगे कि आपकी बात मैं किससे कराऊं, किससे कराऊं जो आप मुझे कार्ड देंगी, आप अभी बताइए। उनका कहने का मतलब शायद ये था किस मंत्री से कराएं, शायद प्रधानमंत्री भी उनके दिमाग में हो। तो मैंने थोड़ा सा उनको देखा और मैंने कहा कि ऐसा है, मंत्रियों से और जो भी कुछ हायर ऑफिसर्स हैं उनसे तो मेरी बात होती रहती है क्योंकि मैं एक ऐसे पद पे हूँ, लेकिन आपको अगर मेरी बात करानी ही है तो आप मेरी बात अमिताभ बच्चन जी से करा दीजिए, मैंने उनसे कभी बात नहीं करी है। अब ये सुन के ना वो थोड़ा और गुस्सा गए, बोले अमिताभ बच्चन प्रेस कार्ड में क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने पूछा कि मैं आपकी बात किससे कराऊं, तो मेरी एक इच्छा है कि मैं अमिताभ बच्चन जी से बात कर लूं। तो अब उनके पास इस बात का जवाब नहीं था तो उन्होंने फोन पटका ऐसे और बोले कल आप इस कुर्सी पर नहीं मिलेंगे, मैं देख लूंगा। मैंने ठीक है, इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो किसी और पर बैठ लेंगे, करके वो चले गए और मुद्दा वहाँ पे ख़त्म हो गया। इन द सेंस कि अगले दिन मैं आई और मैं उसी कुर्सी पर बैठी, लेकिन फिर वो मेरे पास कभी नहीं आए डायरेक्टली प्रेस कार्ड का तकाजा करने के लिए। तो उस दिन मैंने मन ही मन, जो अमिताभ बच्चन जी हैं जिनके जिनके काम को मैं बहुत सराहती हूँ, जो एक सुपरस्टार हैं, मैंने उनको बड़ा धन्यवाद दिया कि भाई आज अगर आप नहीं होते, भले आपसे बात नहीं हुई लेकिन अगर आप नहीं होते तो सिचुएशन और बिगड़ती। तो आपकी एक ऑफिसर लाइफ में इतनी तरह की सिचुएशंस आती हैं, इतनी तरह के लोगों से आपको डील करना पड़ता है, तो अगर आप वहाँ पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, वहाँ पर आप अपना सेंस ऑफ पीस एंड काम अपने माइंड में वो नहीं खोते हैं,
तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी सिचुएशन से निकल जाते हैं। तो एक बार और अमिताभ बच्चन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका नाम बड़ा काम आया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उनके पास अमिताभ बच्चन जी का नंबर होता तो क्या वो मेरी बात कराते। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे पास ढेर सारे ऑफिस के किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए ऑफिस के अंदर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार। जो पूछता है वो सीखता है। तो तुम्हारे मन में भी अगर UPSC को लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट्स में पूछो, मैं जवाब जरूर दूंगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ, क्योंकि अगर तुम नोटिफिकेशंस मिस कर दोगे तो तुम UPSC के बारे में वो जानकारी मिस कर दोगे जो तुम्हें टॉपर बनाती है।